उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद आरोपी बने आशीष मिश्रा मोनू लंबे वक्त से जेल में बंद हैं, लेकिन जमानत नहीं हो पा रही। जिस शख्स के पिता देश के सबसे महत्वपूर्ण विभाग के राज्य मंत्री हैं, जिस शख्स के पिता उत्तर प्रदेश के एक रसूखदार नेता हैं, जिस शख्स के पिता का यह रुतबा था कि उन्होंने ये कह डाला कि मैं वही टेनी हूँ जिसे तुम लोग नहीं जानते, उस शख्स की जमानत इतनी मुश्किल क्यों है? इसके पीछे एक कारण है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पैरवी। लखीमपुर खीरी की जिस हिंसा को लेकर देश भर में राजनीतिक चहलकदमी देखने को मिली थी, लखीमपुर खीरी की जिस हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे, अब उसी लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा मोनू आरोपी है, उसकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज लगा दी गई है, लेकिन जमानत नहीं हो पा रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी आई तो यूपी सरकार ने इसका ऐसा विरोध किया कि जमानत के सारे दावे ध्वस्त हो गए, टेनी पुत्र को जेल में रहने को मजबूर होना पड़ा। यूपी सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही वो समझनी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा, मामला गंभीर है और जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में 7 गवाह ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि आशीष मिश्रा को मौके से भागते हुए देखा गया था। आशीष मिश्रा दोषी है या नहीं ये ट्रायल कोर्ट से तय होगा। इस स्टेज पर हमें इस बात का संदेश है कि वो जमानत पर आकर साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वो भाग सकता है। गरिमा प्रसाद ने यूपी सरकार की ओर से दलील देते हुए कहा कि मामला गंभीर है और जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। अब फिलहाल के लिए आशीष मिश्रा मोनू जेल में ही बंद रहेगा। देश के सबसे महंगे वकीलों, देश की तमाम ब्यूरोक्रेसी के जोर और देश की तमाम ताकतों के बावजूद आशीष मिश्रा को अपने पिता के रसूख का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बीजेपी की सरकार में ही केंद्रीय मंत्री के बेटे को जमानत के लिए जूझना पड़ रहा है। इस भीषण ठंड में रात जेल में कट रही है। सोचिए कि देश में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर योगी सरकार कितनी गंभीर है और किस तरह से एक केंद्रीय मंत्री के रसूख के बावजूद कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा। NBT ऑनलाइन के लिए।